बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरी हमेशा यही दुआ है, मेरे देखने वाले चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और ठीक रहें। आपकी जो भी परेशानी है अल्लाह पाक सब दूर फरमाए। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसी रेसिपी के जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। चिप्स तो हर कोई बनाता है घर में जो बनते हैं, लेकिन जो बाज़ार में बनते हैं वो नहीं बनते घर में। वो किस तरह बनते हैं मैं आपको आज बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी क्या डालते हैं कि वो इस तरह बन जाती हैं। हम घर में लाख कोशिश भी करें बाज़ार जैसी नहीं बनती। तो आज मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने 3 अदद आलू लिए, इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए, इनको इसी तरह काटूंगी मैं, इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनको काट के फिर आपको बताती हूँ क्या क्या इनके अंदर मैं डालूंगी। ये आलू मैंने काट लिए हैं, ये नमक लिया है, ये मैंने लिए घी हरा रोट लिया है मैंने, ये जो बाजार वाली चिप्स में डालते हैं, ये मैंने बॉल लिया है, इसमें आलू डालती हूँ, नमक और घी हरा रोट। ये मैंने लगा लिए अच्छी तरह मिक्स किए। अभी मैंने ऑयल डाल के पैन में रख दिया, ऑयल गर्म हो चुके तो इनको ऑयल में डालते हैं। ये देखें चिप्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ धो के कितनी क्रिस्पी बनी है। ये आपको करेना स्टोर से बासानी मिल जाएगा। आप बोलें कि आरा रोड दें जो चिप्स पे लगाते हैं ले के आए, और बाज़ार से बेहतर चिप्स घर में बनाएं। वैसे भी बच्चे बड़े चिप्स बहुत शौक से खाते हैं, तो ये आप घर में भी बना सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर लाजमी करना, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, अपनी दुआ में हमें भी याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।